नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन मुक्तिधाम में उड़ रहा स्वच्छता अभियान का मजाक। मुक्तिधाम भाग दो में हम बता रहे हैं वार्ड नंबर 10 में स्थित पूरन तालाब वाले मुक्तिधाम के बारे में। हमारे पिछले प्रसारण में आपने इस मुक्तिधाम की अव्यवस्थाओं को देखा था, अभी आगे देखिए। करीब 2 साल पहले माहेश्वरी समाज द्वारा यहां पर साफ सफाई की जाती थी। उन्होंने नगर पालिका से निवेदन किया था कि हम इसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, लेकिन नगर पालिका ने मना कर दिया था और वह योजना अधर में लटक गई। टूटे हुए 3 शेड पानी का होता दुरुपयोग और स्वच्छता सर्वेक्षण का मजाक उड़ाते यहाँ कई लोग सुबह शौच क्रिया करते हैं। तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर मिस्टर धोरे ने यहां एक नलकूप खनन करवाया था जिसका पानी 3 वार्ड में जाता है, लेकिन यहां भी सबेर उसका दुरुपयोग करने से भी लोग झुकते नहीं हैं। यहां नियमित आकर अपने परिवार की याद में लगाए गए पेड़ों को पानी देने वाले मयंक तिवारी बताते हैं कि कई लोग यहां शौच क्रिया करके यहां के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। व्यापारी दीपू अग्रवाल कहते हैं कि मैं नगर पालिका से निवेदन किया था कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि नगर पालिका द्वारा उसकी हालत में कब तक सुधार किया जाता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं रायसेन के शमशान घाट में, इसको पूरन तालाब का शमशान घाट कहते हैं। हम इस शमशान की हालत आपको बताएंगे कि कैसी हो रही है। इस शमशान घाट में 3 वार्डों के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पे हालत ये देखी हमने कि शमशान की हालत अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पहले कभी हरा भरा यहाँ कहीं पेड़ लगाए गए थे, और लेकिन वो पेड़ आज यहाँ से अब कट चुके हैं, या इनको क्या हुआ है इसका, इसकी सही सुरक्षा नहीं की गई, इसकी वजह से इनका काफ़ी नुकसान हुआ है पेड़ों का। और अब यहाँ पे आप देखिए पूरे में अब सूखा पड़ा हुआ। 2 साल पहले माहेश्वरी समाज द्वारा यहाँ पर आकर साफ सफाई की जाती थी, और उनका ये इच्छा थी कि यहाँ पे वो जीर्णोद्धार करें, लेकिन नगर पालिका द्वारा इसका जीर्णोद्धार का मना कर दिया गया कि हम उसका जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं किया गया। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 सेट देखिए पूरा टूट रहा है और हालत यहाँ काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर लकड़ी रखने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि बरसात होती है ना तो लोग यहाँ पर भीख के लिए ही यहाँ पर किसी सबको जला पाते हैं। विधानसभा चुनाव के करीब एक समिति बनाई गई थी यहाँ पर, और काफ़ी ज़ोर शोर से उन्होंने इसका प्रचार किया था कि है ना हम लोग इसका जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन अभी उस समिति ने कोई काम किया ही नहीं किया। ये तो वो समिति के लोग ही बताएंगे। हम उनसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने अभी तक इसके लिए क्या किया है। उनका कहना यह था कि उन्होंने काफ़ी, एक दिन मैंने देखा था कि उन्होंने मीटिंग वगैरह बुलाई थी और उसके लिए उन्होंने काफ़ी अखबारों में और चैनलों पर चलवाया था कि हम इसका उद्धार करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई उद्धार होता दिख नहीं रहा है। हम उनके सदस्यों से पूछेंगे कि उन्होंने इसके लिए अभी तक क्या किया है। रायसेन का मध्य बना हुआ शमशान घाट है और इसकी स्थिति बहुत दयनीय है, और इसके लिए मैंने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से दो एक बार मिला भी, उनसे कहा, निवेदन भी किया कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, और इसमें मूलभूत कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है। जो भी सदस्य होते हैं गुजर जाते हैं तो वो यहाँ पर आकर उनकी याद में कुछ पेड़ लगा जाते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से देख रेख करना चाहिए, वो होती नहीं। एक बार आके लगा के चले आते हैं, लेकिन फिर दोबारा एक आध हफ्ते तक आएंगे, 15 दिन आएंगे, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो देख रेख उनकी हो नहीं पाती और पेड़ भी पूरे सूख जाते हैं, गाय खा जाती है। तो अगर उसको तरीके से अगर वो देख रेख करें उसकी और आके देखें कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, तो उसकी कंप्लेंट वो लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी, इस वजह से थोड़ी साफ़ सफाई भी नहीं है, शराब का जो बैठ कर पीते हैं वो भी एक तरीके से गलत है यहाँ पर, और सुबह सुबह आकर लोग जो यहाँ पर शौच क्रिया करते हैं, लैट्रिन करते हैं, वो बहुत गंदगी फैलाने वाली चीज़ है। तो अपन अगर आएँ तो साफ सफाई तो होना चाहिए।